हेलो यार एक बात बताओ तो मुझे। नहीं यार, फोन उठा दी। मैं इरिटेट ही लड़ रहती हूँ नहीं क्या रही हूँ, चौबीसों मैं लड़ नहीं घंटे रही हूँ। प्लीज पहले मुझे तुम एक बात बताओ। जी। तुम्हें सुबह चैन नहीं है, तुम्हें दिन में भी चैन नहीं है, तुम्हें शाम को भी चैन नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट रात को तो चैन होना चाहिए यार इंसान को। तुम रात में भी बेचैन भटकती आत्मा की तरह क्यों घूमते रहते हो? मैंने क्या किया? क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली बिस्तर में सो रहे होंगे ना, हाँ ठंड पड़ रही है इतनी ज्यादा। इंसान आराम से बिस्तर में सोए, गाने सुने, वीडियोस देखे, जो करना वो करे यार। बिस्तर में यार कॉल पे बात नहीं होती है मुझसे। तो आप सिंगल रहिए ना फिर। नहीं तो यार मैंने तुमसे शाम को बात करी थी ना, नहीं और तो अभी रिलेशनशिप में आओगे तो मैंने ये सारी एक चीज़ें तो घंटे होंगी। पहले भी मैंने आपसे रिलेशनशिप में बात, सब होगा मैंने एक घंटे पहले होगा बोलूँ मैं, रिलेशनशिप में सब होगा। मैंने आपसे एक घंटे पहले बात करी थी। मैं आपसे बोल रही थी कि मैं अब सोने जा रही हूँ, तो गुड नाइट गुड नाइट, जो भी मुझे आपको तो यार फालतू वालतू की निब्बो निब्बो वाली चीज़ें बोलनी थी, मैंने आपको सब बोल दी। उसके बाद तो यार सुबह जब मैं सो रहा था चैन से, किसने तो फोन इंसान सुबह करके आठ मुझे बजे उठ जाए डिस्टर्ब ना, किया 8 बजे उठ था? जाए ना इंसान। तो तुम उठती जल्दी हो, मैं सोता लेट हूँ। क्यों लेट तो सोते हो तुमने सुबह मुझे टॉर्चर किया तो रात को मैं क्यों नहीं करूँगा? यार? ये तो रिवेंज का, हाँ ये बिल्कुल, रिवेंज का टाइम रिवेंज नहीं है ना। समझ लीजिए आप। सुबह जब मैं कह रहा था मुझे सोने दो, बहुत तेज नींद आ रही है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, बहुत तेज नींद आ रही है। नहीं, मैं तो नहीं, नहीं मैं तो उठी आ नहीं, इतनी लेट नहीं छुट्टी है, बोली थी ना ये सारी बातें तुमने। हमारे यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार। यहाँ ऐसा ही होता है। अब मुझे नींद आएगी तो मुझे मुझसे कहोगे जबरदस्ती बात करो, जबरदस्ती बात करो यार, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना होता मैं है। जबरदस्ती कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बात करो, जबरदस्ती नहीं लेकिन मुझसे बात करो। अच्छा बताओ क्या कर रहे हो? खाना अभी तो तुमने बताया, वही कर रहा हूँ, रजाई में आराम से सोया हूँ। खा लिया तुमने? खाना खाने बाद ही इंसान रजाई में सोता है। क्या खाया क्या खाया मैंने खाया क्या खाया? आज, मैं अमृतसरी नान लाया था शाम सुबह, तो उसकी सब्जियां बची थी तो वो खाई मैंने रोटी के साथ। और बताओ और कुछ नहीं, अभी सोऊंगा कब सोओगे तुम? अभी दो तीन तुम्हारा, घंटे अभी तो बाद 4 बजे होता है सुबह के, दो ना, 2-3 घंटे बाद सोऊंगा मैं। ही तो तुम्हारा, अभी तो सुबह के 4 बजे होता नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी भी खराब है। तो यार मतलब देखो, गर्मियों में तो समझ में आता है यार, नींद नहीं आती, गर्मी चिप 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 लगता है। सर्दी में तो यार मेरे हिसाब से सबको अरे नींद आ कल जानी बहुत बुरा चाहिए। हुआ मेरे साथ भाई, क्या हुआ रोज ही बुरा हो रहा है वैसे मेरे क्या साथ, हुआ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हुआ क्या ये बताओ। मैं तो लोगों के जाने आने से परेशान हो गया हूँ। कोई लोग हैं वो जाते ही रहते हैं, कोई लोग हैं वो आते ही रहते हैं। अब तो कौन जा रहा इसमें है और कौन आ रहा है? अरे हैं यार रिश्तेदार, कुछ लोग जाने से फुर्सत नहीं है, कुछ लोग आने से फुर्सत नहीं है, एक मैं हूँ जो अपने घर पे बैठा रहता हूँ। तो मेरी तरह हो ना, जो मैं भी जा घर रहे में हैं उनको बैठे। छोड़ के आओ, फिर कोई आ रहा है उनको लेके आओ। इतना तो मैं टैक्सी चला लूँ, उसमें कमा लूँ यार। नहीं ऐसा कौन पर्सन है भाई जो जा रहा है बार बार और जो अरे आ रहा है? हैं और अगर कोई रिश्तेदार, जा रहा है तो उसकी कोई सिचुएशन होगी, और अगर कोई आ रहा है तो वो फालतू तो ही होगा, क्योंकि उसे अपने घर में कोई काम नहीं है तो इसीलिए वो आ रहा अच्छा है। मतलब जो जा रहा है वो सही और जो आ रहा है वो गलत। वकालत कहाँ से किया आपने? बस पड़ोस से ही खरीदी। चलो अच्छी बात है, आपने किसी कॉलेज से नहीं की, वरना उसका नाम बदनाम होता बेकार में। नहीं तो यार कोई कहीं पे जा रहा है और कहीं से आ रहा है तो कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी, तभी तो हो रहा है ना ये सब चीज़ें। हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती लेकिन इफेक्ट तो मेरे ऊपर करती है ना, हाँ वही मैं बता रहा चीज़ हूँ इफेक्ट कैसे करती है। तो, जैसे दुनिया ही नीति है, कहीं ना मेरे कहीं इफेक्ट तो मेरा करेगी मेरे करेगी। मेरे रिश्ते आ रहे हैं मामा जी, ठीक है, वो आते हैं आते हैं और आते हैं, जाते नहीं है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आए वो अच्छी बात है, लेकिन वो आते कब है? जैसे रात को 2 बजे, मैं रजाई में सो रहा हूँ, कल की बात ही बता रहा हूँ, रजाई में सो रहा हूँ आराम नहीं से। यार ये हाँ वाला तो सबसे बड़ा दुख होता है कि वही कोई तो, रात 2 बजे आए रात। अरे इस सर्दियों के मौसम में वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर कल कोई ही की रात बता रहा को हूँ। 11 बजे भी आए ना, तो ऐसा लगता है कि रात के 3 बजे आ रहा है। ऐसा लगता है कि उसका तो तुम सर नहीं फोड़ सकते, बिकॉज वो रिश्तेदार है, मैं तो बुरा अपनी मान बता रहा जाएगा। हूँ। हाँ मेरा मन तो होता है मैं अपना ही सर फोड़ लूँ। मैं अपनी बता रहा हूँ। चलो तुमने सारी चीज़ एक्सेप्ट हो गई, मतलब तुम ज़्यादा ही अच्छी बनने का नहीं नाटक खैर करती हो। ऐसा नहीं है, मैं सब अब मजाक तो में। इसको ब्रेड मक्खन लगाओगी तुम।
कुछ ऐसे आपसे अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग रखो जिनको तुम अपना रियल चेहरा दिखा सको। नहीं, ये वाली जो मैंने बात बोली वो रियल चेहरा नहीं था मेरा, अगर आप मानो नहीं मानो वो आपकी हेडेक है, बट ऐसा कोई रियल चेहरा था नहीं मेरा। हाँ तो सुनो, मेरे साथ क्या हुआ, मैं 2 बजे सो रहा था। ऑब्वियसली बात है, रात को 2-3 बजे कोई आएगा तो थोड़ा तो इरिटेशन होगी, पर 11 बजे नहीं होती इरिटेशन। सुनो तो, मैं 2 बजे सो रहा था अपना आराम से, कम ऑफ पहली बार मुझे 2 बजे तक नींद भी आ गई थी। मतलब ऐसे मैं 3-4 बजे सोता हूँ, कल ही मुझे नींद आ गई जल्दी क्योंकि मैं थका हुआ था। ठीक है, तो मैं सो रहा, मम्मी ने बेटा उठिया, बेटा उठ। मैंने कहा क्या हुआ? मम्मी बोली मामा आए हुए हैं। मैंने कहाँ? किंग घर पे। मैंने अच्छा चाय वाय बना के पिलाओ। नहीं मतलब आ रहे हैं। मैंने यहाँ तो ठीक है, आराम से सुबह पहुँचेंगे। बेटा तू समझ नहीं रहा है, वहाँ पे आ चुके हैं तो अंदर कोई ऑटो नहीं मिला, जा तू ले आ। मैंने क्या? मम्मी ले आ। भाई साहब सच क्या बताऊँ, कंबल में रात के 2 बजे और ऐसा कोहरा भर रहा था कल, क्या कहूँ। नहीं देखो मुझे, मैं रियल फिर जाति मामा कहते हैं बेटा इतनी दिल लगा दी थी, देखा खड़ा हूँ। मैंने हाँ चलो चलो अब जल्दी, चलो चलो जल्दी। देखो अच्छा यार, एक काम करना, वहाँ से घुमा के लेना गाड़ी, वहाँ से क्यों लेनी है? अरे हाँ वहाँ से घुमा के लेना, मैं देखूँ कोई दुकान खोली है। अरे भाई इतने भाई कोई दुकान नहीं खुली। अरे तुमसे कहीं ना वहाँ से घुमा के लेना गाड़ी, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमा के लिए उन्होंने गाड़ी। देखो देखो मैं अपना रियलिटी बताती हूँ, मुझे रात यहाँ में पे कोई, थमी नहीं मेरी गाड़ी। मुझे मेरे रात साथ में 4 दिन कोई, पहले भी ऐसा हुआ था। 4 दिन पहले चाचा आए थे, फिर कभी मामा आते हैं कभी चाचा आते हैं, देखो मैं अपना रियलिटी वाला फेस दिखाऊं कि कभी मुझे कब कोई कभी इरिटेशन कोई होती है, कभी कोई। मुझे कब कोई इरिटेशन होती है कि अगर मैं कोई और प्लान बना के बैठती हूँ और अगर सडनली मेरा प्लान चेंज हो जाए तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है। ज़्यादा इरिटेशन जब होती है कि रात को मुझे कोई 3 बजे 3:30 बजे उठा के कहेगा कि ये काम कर, ये मतलब ये कर मेरे लिए, तो मुझे इरिटेशन मेरे होती साथ है भी ऐसा ही बस। होता है उसके यार। अलावा नहीं, तुम्हें रात में इरिटेशन होनी नहीं चाहिए ना, वो तुम तो सोते नहीं हो। जिसको सोना पसंद है, अच्छा हद अच्छा से ज़्यादा सोना पसंद है जो उसको इंसान तो, सोए ना सोए लेकिन कंबल में जब जाता है ना ठंड में हाँ खैर, तो उठना उसे नहीं होता है। और हाँ कुछ दिन पहले की बात है, कोई मुझे टॉर्चर करने आ गया था ऐसे ही सुबह 5 बजे। अरे बेटा उठो उठो। मैंने क्या हुआ? बेटा भाई वहाँ पे गया था ना मैंने, यहाँ तो वो रास्ते वहाँ पे खड़ा है, ऑटो नहीं मिला। एक तो समझ में नहीं आती इनको ऑटो ही क्यों नहीं मिलते हैं, ऑटो नहीं मिला जा ले आ। और सुबह 5 बजे इतना कोहरा भाई यार साहब। ऑटो में सफर और करते करते यार एक्चुअली मैं भी थक प्रॉब्लम पता है गई क्या हूँ है, देखो अगर कोई इंसान जैसे अब मेरे मामा है तो भाई वो आए वेलकम है, वेलकम आए बिल्कुल आए, लेकिन आप सुबह भी तो आ सकते हो, आप दिन में भी तो आ सकते हो, आपको रात को 2 बजे क्यों आना है? देखो। मैं एक बात बोलूँ, तो मैं ऐसे में बात मैं सिर्फ मामा नाम ले रहा हूँ, जितने में ऐसे लेके जाते रिलेटिव हैं सबकी यही आदत बना रखी है। देखो, हाँ मैं एक मैं बात बोलूँ, 2 बोलिए 3 बोलिए, मेरा और कुछ लोगों का तो जाना ही ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे कि जैसे कि वो भी हैं कुछ लोग हैं। बताओ बताओ छोड़ो आप अपना, बता पहले तो, आपकी बात रह जाइए। मेरा तो खैर कोई भी रिश्तेदार आया तो कोई भी किसी को भी आना हो, किसी को भी जाना हो, तो मुझे कहीं का भी कोई भी दुख नहीं होता। हाँ क्योंकि आप तो सोते रहती हो ना, जा से क्या उसके आप, जा तो आपकी मम्मी चाय बना देंगी, जा आप बना दो बस और क्या। नहीं मुझे कोई, मुझे तो ऑब्वियसली बात है खुशी होती हाँ कोई घर में ही आकर, रहना है ना, लेकिन रात को 3 बजे आपसे जाओ 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 बाहर, दिमाग खराब होता है नहीं तो फिर ना। अगर मैं जाऊंगी तो मुझे कोई जाने नहीं देगा ना, तो आप जाओगे ही नहीं ना। तो मुझे कोई जाने भी नहीं देगा ना। मैं बताऊँ अपना किस्सा एक, मतलब जब मेरे को बाइक चलानी आती थी, आज मैं 15 साल का हूँ, 14-15 साल का, तो मैं बड़ा सोचता था यार मेरे सारे दोस्त चला लेते बाइक जी वो, मैं खुद को बहुत खुश था। तो मैं 16 साल के आसपास का हुआ था, तब मेरे हाथ में बाइक थी, जॉब करता था मैं एक जगह, तो मेरे हाथ में बाइक आ गई, मुझे चलाने का शौक। तो इतनी ठंड में मैं 1-1 बजे से 1-1 1.5 1.5 बजे मार्केट से सामान लेके आ रहा हूँ। ठीक है दुकानदार बंद करके अपना सामान बाहर रख गए कि यहाँ पे पूरा सामान पैक करो, फिर वो मतलब गाड़ी में बांध रहा हूँ कर रहा हूँ फिर लेके आ रहा हूँ 1-1 2-2 बजे, और उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे मुझे, नो नो एक्स्ट्रा मनी। और जो मेरा मालिक था वो कह रहा जाओ बेटा आराम से, वो भेजते रोज रोज का हो गया। और बड़ी खुशी खुशी ही जाता था, सारे मेरे जितने भी मतलब लड़के काम करते हैं दुकान पे सब कहते थे अरे हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, और मैं खुशी खुशी जाता था, खुशी खुशी क्यों मैं आता। लेकिन अब अगर कोई मुझे बोले ना ले जी गाड़ी या काम करेगी, अरे जा यहाँ से, बोले 100 रुपये ले ले, अरे जा 200 रुपये ले, अरे जा मैं दे रहा हूँ 200 रुपये, जाती यहाँ से। तो ये ना एक जब नई नई चीज मिलती है ना तुम्हें, तो तुम्हें लगता है ओहो, तब उस
को एक्सपीरियंस करने का इतना होता है, एक्सपीरियंस एक्साइटमेंट मतलब हाँ, सब चीज़ें उसमें तो मैं ठंड भी नहीं लगती, बाद में रियलाइज होता है। अब मुझे गाड़ी चलाने का इतना मन नहीं करता, ठंड में तो बिल्कुल ही नहीं करता। मुझे तो आज भी गाड़ी चलाने का मतलब एक्टिव चलाने का मन करता। तो मैं अभी पूरी तरह से मिली नहीं है ना, जिस दिन जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा तुम्हारे साथ हुआ नहीं, सुबह 8 बजे गए तुम्हारे हाथ में एक्टिवा, तुम्हारी रात के 12-1 बजे तक घूम ही घूम रहे हो पागल की तरह, तब तुम्हें एक्टिवा देख के नफरत हुई, अरे हटाओ इसको, जला दो, आग लगा दो इसमें, समझे? ये मेरा फील हो चुका है, मैं कर चुका हूँ। पर मुझे लाइफ में मतलब ऐसा ऐसा एक एक बार तो एक्सपीरियंस करना है कि हाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, भले चाहे मैं उसे एक्सपीरियंस करके इरिटेट हो जाऊँ, पर मुझे एक बार करना है। हाँ तो सब एक्सपीरियंस करो, सबसे पहले जहर खाने का आप एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपीरियंस करिए, जहर का टेस्ट कैसा होता हो खाने के बाद, इंसान एक्चुअल में बचता है कि नहीं बचता नहीं मुझे जहर नहीं खाना। नहीं तो आपको सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करना है ना, मतलब पहले जब मेरी अजगर के पास जाइए, उसके बाद अजगर अजगर है ना, वो कौन सा होता है अजगर को क्या कहते हैं, अजगर होता है, हजगर नहीं होता। हाँ उसके बाद जाइए, पहले बोलना सीखिए। खड़े होइए वहाँ, बोलिए आओ मुझे खाओ, फिर देखो आप उसके पेट में सर्वाइव कर यार, पाते हो नहीं कर पाते हो। नहीं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना है ना, करो फिर तुम। नहीं करना, आप सो रहे हो, अब नींद आ रही है, बाय। कुत्ता मीट खाओ, नहीं खाना है। नहीं तो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो ना, अपने अपने हिसाब से अपने रूल कैसे बना लेते हो तुम लोग। अरे मैं अपनी बात बता रही हूँ यार, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करेंगे, बिरे बिरे भी करेंगे भी, दिल एक चेक तो ऑब्वियस सी बात है, जब अच्छा करूंगी तो बुरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अजगर से कटवाओ खुद को, सॉरी अजगर काटता नहीं है, सीधा निकल जाता है। तो मत सुनो फिर। और एक वो कौन सा पानी वाला कौन सा जानवर होता है, वो बड़े बड़े दांत होते हैं ऐसे, मुंह आगे होता है उसका, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। हाँ चलो आप फोन रखो, नींद। चलो ठीक, बाय बाय।